नमस्कार दोस्तों, अक्सर लोग मार्केट में आ जाते हैं लेकिन उसे पता ही नहीं रहता कि इंट्रा ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। चलिए आज इसके बारे में सिंपल तरीका से जानते हैं। इंट्रा ट्रेडिंग क्या है? कोई भी कंपनी का शेयर आज बाय किए तो उसे आज ही सेल करना पड़ेगा, उसे इंट्रा ट्रेडिंग कहते हैं। आपको पता है कि मार्केट 9:15 से ओपन होता है और 3:30 में क्लोज होता है, तो आपको 3:15 से पहले आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ब्रोकर सेल कर देगा और उसका अच्छा खासा पैसा भी लेगा। या आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको 3:15 से पहले आपको सेल करना होगा। अगर आप नए हो तो इंट्रा ट्रेडिंग से दूर ही रहो, नहीं तो जैसे आए हो वैसे चले जाओगे लॉस करके। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कंपनी है जिसका शेयर आपको लगता है 1 या 2 हफ्ता या 3 हफ्ते में वो ऊपर जाने वाला है, तो उसका आप शेयर बाय करते हो भी डिलीवर में, फिर उसे 2 या 3 हफ्ते में उसको सेल कर देते हैं, आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसका सिंपल तरीका आप समझ लीजिए, 1 मंथ के अंदर उसे हम सेल कर देते हैं, उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है? कोई भी कंपनी का आप शेयर बाय करते हैं, उसे 1 मंथ से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 या 5 या 6 मंथ तक उसे रखते हैं, उसके बाद उसे सेल करते हैं, उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। इसका सिंपल तरीका आप समझ लीजिए, 1 साल के अंदर उसे हम सेल कर देते हैं, उसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग क्या है? कोई भी कंपनी का शेयर आप बाई करते हैं, उसे 1 साल के बाद उसे सेल करते हैं या 10 साल के बाद उसे सेल करते हैं या नहीं भी करते हैं, उसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग किस टाइप की कंपनी में करना चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें, मैं इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।